तो हेलो हीरोस, कैसे हैं आप सभी। आपको अगर याद होगा तो हमने कुछ समय पहले आइसक्रीम वन गेम खेला था, तो उसमें एक हमें बच्चे को छुड़ा के लाना होता है, जो कि एक मोटा था, उसे छुड़ा के भाई हमने एस्केप करा के ले आया था। बट अब उसके सिस्टर को मतलब कि एस्केप करा के लाना है। तो लेट्स प्ले गाइस, चलो देखते हैं कि इस बार क्या होता है आइसक्रीम टू में। तो बेसिकली मैं इस गेम को खेलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हूँ। तो ये अपनी गेम की कुछ स्टार्टिंग है, जो कि एक को तो मैं छुड़ा के ला चुका हूँ, अब देखते हैं कि कौन किडनैप होगा। देख लो भाई, सस्ती प्रमोशन हो रही है इनकी यहाँ पे। तो हमेशा की तरह लोकेशन तो वही है, बट हमें वही खिड़की में देखना है कि कौन किडनैप हो रहा है कि कौन नहीं हो रहा है। तो लेट्स गो गाइस, चलो इस विंडो को ओपन करते हैं। तो ये उस मोटे की सिस्टर है आई थिंक, जो यही किडनैप होने वाली है। ये अभी मुझे बुला रही है खेलने के लिए। अरे तू खेल मत, तू यहाँ से निकल। वो आइसक्रीम अंकल बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगली बार तो तेरे भाई को ले गया था, इस बार तुझे ले जाएगा। भाई पीछे देख, हो गया इसका काम भाई हुआ। ये भाई कितना कितना खराब है आइसक्रीम अंकल, दो बच्चों को किडनैप कर चुका है, और आई थिंक लग रहा है मुझे भी देख लिया है। या मैं इसके समय से पहले मैं छुप गया था तो नहीं देखा होगा, पर ये हमें नीचे उतरने के लिए ये बेड शीट चाहिए क्या ये? तो ऑल राइट गाइस, ये हमें चादर चाहिए, जो इस हमें कील में फंसा के नीचे जाना है। बट वो हमें बस देखे ना, क्योंकि ये गेम हमने खेल रखा है तो हमें इसके कुछ रूल बेसिकली पता है। यार यहाँ पे एक मैप रहता है आई थिंक, अभी वो नहीं आया। पहले यहाँ में हम छुप जाते हैं भाई। तो ये आइसक्रीम अंकल है भाई, इससे मैं पहले मिल चुका हूँ, लेकिन अब मुझे इतना डर तो नहीं लगता इससे। पहली बार खेला था तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो इनके पॉकेट से ये कुछ चीज़ गिरी है आई थिंक, मुझे लग रहा है मैप है हमेशा की तरह, क्योंकि आइसक्रीम वन में भी यही हुआ था। तो लो लेट्स गो गाइस, चलो ये मैप उठाते हैं और वैन में इसे इंस्टॉल करते हैं। भाई पहले तो भाई छुपेंगे, क्योंकि ये वो दोबारा ना आ जाए। भाई रिएक्शन नहीं लेने का है अपन को, लेकिन बिल्कुल आराम से खेलना है, एकदम चिल मार के। ओ भाई लग रहा है देख लिया यार, इसी साइड आ रहा है। भाई इन अंकल को भी कोई काम नहीं है, पहले बार तो मोटे किडनैप कर लिया, इस बार उसकी बहन को ही कर लिया। पर कोई बात नहीं, इस बार भाई इसके बहन को तो छुड़ा के लाएंगे, कुछ भी हो जाए, क्योंकि गाइस अपनी फ्रेंड भी तो है ही है। तो ऑलराइट गेमर, हम इससे बाहर निकल चुके हैं, अब भाई चलते हैं वैन में, क्योंकि वैन में ये मैप इंस्टॉल करना होता है हमेशा की तरह। जैसे कि ओ भाई इसने देख लिया, बे यार गड़बड़ हो गई भाई इसमें तो। कोई बात नहीं, वो उस साइड है, तब भर में तो मैं मैप इंस्टॉल कर दूंगा। भाई आ गया लगता है, आ गया भाई, भागो भाई। है कहाँ, हुआ दिख ही नहीं रहा यार। अबर में तो मैं वैन स्टार्ट करके, ओ भाई बच गया भाई, वो तो पक्का पकड़ ही लेता अबर में मुझे तो। पर कोई बात नहीं गाइस, इस बार तो दिक्कत ही नहीं लेने का यार, बिल्कुल आराम से खेलेंगे एकदम। तो लेट्स गो गाइस, मैं उससे पीछा छुड़ा के आ चुका हूँ। ये मैप क्यों नहीं खुल रहा? तो ओके गाइस, हम चलते हैं सर्कस, फर्स्ट लोकेशन अपनी सर्कस है, तो चलते हैं भाई। यहाँ पे मैप तो चेंज हो चुका है, तो ये कुछ लोकेशन है गाइस सर्कस की, अजीब ही लग रहा है यार ये। वैन को इतना टर्न लेने की क्या जरूरत है, सिंपल सा भाई, हैवी ड्राइवर है भाई ये तो। लेट्स गो गाइस, यहाँ पे ये क्या है, कुछ भी हो यार, देखते हैं पहले आगे। इसको खोलने के लिए स्पेशल पास चाहिए कोई, और वो स्पेशल पास भाई पता नहीं कहाँ मिलेगा। ओ भाई ये मोटा तो यहीं है यार। हेलो मोटे, एक तो अपने फ्रेंड तो यहीं है, बस इसे हमें ओपन करने के लिए कोई स्पेशल पास चाहिए होगा, जो यहाँ पे बार बार ये साइन आ रहा था, तो मुझे लगा इसी में होगा। इस डस्टबिन में ही होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट चीज़ होगा। बट गाइस हमें पूरा डस्टबिन हमें देखना पड़ेगा कि इसमें है भी या नहीं, कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट तो होगा, या स्पेशल पास ही मिल जाए अपना काम हो जाएगा।
तो दो डस्टबिन तो मैं ढूंढ चुका हूँ, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अबे तीसरे की बारी है भाई, इसमें भी कुछ ही नहीं होगा यार, तो इसमें भी कुछ नहीं है भाई। लेकिन बस वो आ ना जाए यार आइसक्रीम अंकल, इसमें तो भाई मिलना चाहिए, इसमें मिलना चाहिए, वरना भाई गड़बड़ हो जाएगी पूरी तरह से। तो ऑल राइट गेमर हमें मिल चुका है भाई, स्पेशल पास मिल चुका है। चलो अब भाई वो गेट खोलते हैं, अब मोटे से कुछ हेल्प मांगते हैं, होगा उससे हेल्प भाई, क्या ही करें। वो ये यहाँ पे कैसे आ गया, मुझे यही नहीं समझ आ रहा। हेलो मोटे भाई, याद है तुझे अगली बार मैं तुझे छुड़ा के लाया था? भाई एहसान फरामोशी से तो कुछ याद ही नहीं है। कोई बात नहीं गाइस, हमें ये हमारा दूसरा फ्रेंड है What's up, तो Jay? इससे बात करते हैं। I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. तो ओके गाइस, इससे मेरी बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि इसके पास कुछ इम्पोर्टेंट आइटम है, रेयर है, बट इसके लिए ये इसके लिए कि हमें कुछ इसे देना पड़ेगा जो बिल्कुल यूनिक हो, बिल्कुल रेयर आइटम हो, तो वो चीज़ हमें ये दे देगा। बट मैं ये लास्ट टाइम यहाँ पे आया था तो ये घर मैंने देखा था, यहाँ पे देखते हैं भाई, ट्राई करते हैं क्या है यहाँ पे। गाइस वो यूनिक या रेयर आइटम उसे देना पड़ेगा, तभी वो हमें एक चीज़ देगा जो उसके पास बहुत इंपॉर्टेंट वो चीज़ है। तो यहाँ पे हमें भाई कुछ चाहिए जो हमें जिप लाइन बना के हम उस साइड जा सके, इस वायर के थ्रू, बेसिकली लिफ्ट जैसा होगा। तो हमें कुछ ऐसा आइटम ढूंढना है कि जो इस वायर पे कनेक्ट हो जाए और हमें वहाँ तक ले जाए। लेकिन बट वो कोई रेयर आइटम था यार, वो जो अपना फ्रेंड मांग रहा था, अगर वो यहीं मिल जाए तो अपना काम तो हो जाएगा। तो मैं सारे ड्रॉअर चेक करता हूँ, हो सकता है यहीं मिल जाए भाई। ओ भाई ये कैट फूड मिला है, ये थोड़ा ना रेयर आइटम होगा, मुझे तो नहीं लगता ये भाई रेयर आइटम होगा। देखते हैं कि क्या ही भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम छुप भी सकते हैं भाई, ये बात तो है। यहाँ पे हॉरर गेम में भाई मुझे एक ही चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि हम कहीं पे भी भाई अलग ही अलग लोकेशन होता है, ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है मुझे हॉरर गेम की। तो भाई इस कवर्ड में देखते हैं क्या है। तो ये हैंगर है जिसे हम शायद में जिप लाइन बना के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको कैट फूड, ये भी इम्पोर्टेंट होगा मुझे पता है, तो इसे चलो भाई वैन में पहले फेंक के आते हैं। बट वो आइसक्रीम अंकल ना देखे तब, क्योंकि ये कैट फूड का भी भाई कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट काम होगा, ये इतना तो मुझे पता है। और मैंने नॉइस कर दी, वो पक्का इस साइड आएगा, लेकिन इस साइड हमें करना क्या। ओ भाई इतनी जल्दी आ गया यार ये तो। तो चलो गाइस वो हैंगर को भाई लेते हैं और वो वहाँ पे जिप लाइन बना के देखते हैं कि क्या ही होगा वहाँ से। उस वक्त केबल से हमें लटक के जाना है भाई, अलग ही यहाँ पे सीन हो रहा है। तो लास्ट टाइम आया था तो मैं यहीं कहीं तो था यार, वो दिख नहीं रहा मुझे। पहले तो भाई छुप जाते हैं क्योंकि वो मेरे पीछे आने वाला है, ये तो मुझे पक्का पता है क्योंकि मैंने शोर कर दिया था ना। तो कुछ सेकंड तक भाई यहाँ यहीं पर रुकना पड़ेगा क्योंकि भाई मैं रिक्स नहीं लेने वाला हूँ। आई थिंक मुझे लग रहा है वो चला गया, तो इसी कबर्ड में था वो हैंगर, यही है मेरे ख्याल से जो वो केबल में जिप लाइन बनेगा, मतलब लिफ्ट जैसा होगा कुछ। बट ट्राई करके देखते हैं भाई, ये नहीं हुआ तो फिर अपना तो भाई फोफट हो जाएगा ना, दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो ऑल राइट गेमर, ये तो भाई यही था मेरा तुक्का भाई, कभी काल सही चला जाता। ओ भाई तो इस टेंट में हम आ चुके हैं, इसका अब कोई काम नहीं है। तो इस टेंट में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ तो भाई मिलनी चाहिए। तो गाइस इस गाड़ी को हम धक्का दे सकते हैं भाई, ओ भाई इसमें तो सही है। ऑल राइट गेमर, ये तो भाई कुछ टनल जैसा है यार, अजीब ही है, बट कोई बात नहीं, इम्पोर्टेंट तो यहाँ पे भी होगा। मुझे भाई पता था पक्का इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे स्टैंड में ज़रूर होगा। तो लेट्स गो गाइस, ये कुछ है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं कि और कुछ होए है कि नहीं भाई, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट चीज़ मिस नहीं करना चाहता। ये बात है भाई, हॉरर गेम में खेलने भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि यहाँ पे अलग ही मिथ टाइप के होते हैं भाई, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऑल राइट गेमर, ये हम दूसरी लोकेशन पे आ चुके हैं और ये जीना है सीढ़ी, बट यहाँ पे क्या है। तो गाइस इसे अनलॉक करने के लिए हमें कुछ स्क्रू ड्राइवर सा चाहिए होगा, जो भाई पता ही नहीं कहाँ मिलेगा, मुझे नहीं पता।
बट ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं तो भाई मिल ही जाएगा। तो भाई यहाँ से अलग ही लोकेशन से हम भाई गए, अलग लोकेशन से आए, अलग लोकेशन से, अलग ही सीन है भाई यहाँ का। तो ये डोर कैसे खुलेगा? गो इनसाइड, इन्हीं साइड तो हूँ। ओके तो गाइस, तो मुझे ऐसे खोलना था, मैं अलग ही पागलपंती कर रहा हूँ यार। बस वो आइसक्रीम अंकल ना आ जाए, हो गया। वैसे हम अभी बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, क्योंकि भाई आइसक्रीम अंकल अभी एक बार भी आए नहीं। ओ भाई ले आ गया, इसका नाम लिया और भाई आ गया। तो घेमर चलो चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे भाई। नहीं धीरे क्यों ले जा रहे, जल्दी जल्दी चलना भाई। तो गाइस अपनी नेक्स्ट लोकेशन है सिमेट्री, यहाँ पे भी हम पहली बार ही आ रहे हैं। इसे भी गाइस पूरा एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूर होगा और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ मिस नहीं करना चाहता। तो ऑल राइट गेमर, डोर को भाई खोलते हैं। बे यार ये आइसक्रीम अंकल यहीं है यार, तो हमें यहाँ पे कुछ कैट फूड सा रखना है। मेरे ख्याल से तो ऐसे ही लग रहा है, वो जो कैट फूड है यहीं पे यूज आएगा, क्योंकि ऊपर मैंने कैट भी देखी थी। बट वो आइसक्रीम अंकल से पीछा छुड़े तब तक तो मैं कुछ काम करूँ। वो देखो गाइस वहाँ पे कैट दिख रही है, तो मुझे वहाँ पे फूड खिलाना है, बट होगा क्या उससे मुझे ये नहीं समझ आ रहा। तो मुझे इस कैट फूड को यहाँ पे खिलाना है और इस बिल्ली को मुझे पकड़ना है, बट ऐसा क्यों यार, ये मुझे नहीं समझ आया। करके देखते हैं, क्योंकि बिल्ली तो ऊपर है और हमें खाना भाई, हमें इसकी फूड तो भाई नीचे रखना है, वो आएगी कैसे? ओ भाई आ रही यार, आ रही है कैट, इसे काफ़ी क्यूट कैट है यार। तो ऑल राइट गेमर, हमने इसे पकड़ लिया है और भाई इसे वैन में डालते हैं। ओ भाई बाहर आ गई यार, भाग ना जाइए। तो एक काम करते हैं भाई, पहले दूसरे लोकेशन पे चलते हैं, वरना ये कैट ना भाग जाए। सिनेमा चलते हैं, यहाँ पे भी हमने इसे एक्सप्लोर नहीं कर रखा है भाई, सिनेमा ही चलेंगे परफेक्टली। तो गाइस हम सिनेमा आ चुके हैं, लेकिन यार ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है यहाँ पे ना, अलग ही वाइब आ रही है, इतनी बिग स्क्रीन लगा रखी है। नहीं वैसे सिनेमा वाली वाइब तो आ रही है, बट ये कैट ना भागने को क्यों है भाई, सिर्फ इसे खाना खिलाया फिर भी भाग रही है। ऑल राइट गेमर, ये तो सो चुकी है भाई, बट ये भागे ना तो काफ़ी है इतना तो मेरे लिए। ओ भाई भाग गई यार, ये भाग जाए भाई, इससे पहले इसको भाई पकड़े रखते हैं। अगर इनके ट्रंक भाई ओपन होते तो भाई मज़ा आता, ओपन होते हैं भाई इनके ट्रंक, मुझे तो पता ही नहीं था यार। बट आइसक्रीम अंकल हमारे पीछे पड़ चुका है भाई, अजीब ही चो मुँह है। पहले तो भाई यहाँ पे छुप जाते हैं, बट ये देख ना ले यार हमें, यहाँ छुप जाते हैं उसके बाद हम इस वाले घर में चलेंगे, यहाँ पे भी मैंने एक्सप्लोर नहीं किया अच्छे से। तो मुझे लगता है गाइस आइसक्रीम अंकल अब तो भाई हमें नहीं ढूंढ पाएंगे, अब वो भाई कहीं और ही। ओ भाई यार कहाँ से आ जाता है ये, मैंने तो भाई कुछ आवाज़ भी नहीं की, पता नहीं कहाँ से आ जाता है ये। इस बार इसे डरने की ज़रूरत नहीं है भाई, डरते नहीं हम बिल्कुल इससे। इस वाले घर में चलते हैं, इस वाले घर को मैंने एक्सप्लोर नहीं कर रखा है, बट ये खुलता भी है या नहीं मैं ऐसे ही दिमाग लगा रहा हूँ। ओ भाई खुलता है यार ये तो, यहाँ पे छुप जाते हैं कुछ समय के लिए जब तक आइसक्रीम अंकल नहीं आए, वरना भाई गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अबे यार इसने पकड़ लिया, इसको पता कैसे चल गया यार, मैंने तो आवाज़ भी नहीं किया था। तो ऑल राइट गेमर पहली बार पकड़ा गया यार, इतना काम होने के बाद भी पकड़े गए। तो इसने मुझे भाई फ्रिज में बंद कर दिया, फ्रिज में क्यों बंद किया यार? ओ भाई पूरी ठंडी फ्रिज पड़ी थी यार। तो अगली बार तो हमने यहाँ से स्केप कर लिया था स्क्रीम वन में, इसमें कुछ अलग डिफरेंट तो होना चाहिए भाई, वरना पैसा वसूल तो होगा नहीं। तो ये कुछ यहाँ पे बॉक्स था, ये तो मैंने देखा ही नहीं, बट देख लेता हूँ यार, इम्पोर्टेंट सामान तो इन्हीं सब बॉक्स में होते हैं ना, क्या इम्पोर्टेंट है, कुछ तो है नहीं। तो इस बार ड्रॉअर में चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो ये टूल बॉक्स मिला, इसमें क्या यार, इसमें प्लाट्स, ये क्या यूज आएगा मेरे, बट कोई बात नहीं गाइस, यूज आए चाहे ना आए ये तो लेना पड़ेगा। बट यहाँ से मैं
एस्केप कैसे होऊंगा यार, यहाँ पे एस्केप कैसे होऊंगा मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। क्या करूँ, इस फ्रिज में कुछ आइटम मिलना चाहिए यार, कुछ तो है नहीं। अगली बार तो आज के वन में मैं तो इस शटर से भाग गया था, लेकिन इस बार तो यहाँ पे ऐसा कुछ सीन ही नहीं है यार। तो गाइस इस डोर को ओपन करने के लिए मुझे एक की चाहिए, जो कि की मेरे सामने ही पड़ी है। पिछली बार क्यों नहीं दिखी यार ये, मुझे पता नहीं यार क्यों नहीं मुझे पिछली बार ही दिखी नहीं। कोई बात नहीं, गेट तो ओपन कर दिया, लेकिन ये प्लास लेके चलते हैं भाई। बट कुछ सेकंड तक रुक जाते हैं क्योंकि आइसक्रीम अंकल बहुत ज़्यादा डेंजरस है भाई, थोड़ा छुप छुप के खेलना पड़ेगा यार हमें। वो तेरी भाई उसी साइड था तो आइसक्रीम अंकल भाई यहाँ पे सोता है मेरे ख्याल से। तो ऑल राइट, ये हमारे प्लाट्स का यूज यहीं पे होना था, जो कि मैं भाई तुक्के में आ गया और अपना काम हो गया। तो हमें यहाँ पे कुछ कैंडल मिली है और आइसक्रीम अंकल हमेशा की तरह दोबारा अपने पीछे पड़ चुका है। क्या ही होगा यार मेरा, पता नहीं कहाँ से आ जाता है ये। बट कोई बात नहीं गाइस, इस बार चलते हैं वहीं अपने नेक्स्ट लोकेशन पे जहाँ पे गए थे। पहले डोर को भाई बंद करते हैं, आना जाए वो भाई। स्केप तो कर गया यार वहाँ से, मुझे तो लग रहा था नहीं हो पाऊँगा। तो गाइस सिमेट्री आ चुके हैं और यहीं पे मुझे लग रहा है इस कैंडल का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैंडल दिखे ना, तो समझ सकते हो मैं थोड़ा दिमाग अलग सा लगा रहा हूँ, लेकिन बट ऐसा ही होना चाहिए, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तो इस यहाँ पे तो यूज़ नहीं होगा गाइस, वहाँ पे मैंने एक्सप्लोर कर लिया था लेकिन इस साइड नहीं किया था। तो ऑल राइट गेमर, ये कैंडल का यूज़ यहीं पे होगा, बट हुआ क्या मुझे ये नहीं समझ। अबे यार ये पीछे कहाँ से पड़ गया मेरे भाई, दोबारा ले गया यार ये मुझे। ये आता है पिन पता नहीं क्यों, स्क्रीन भाई बिल्कुल फ्रीज सी हो जाती है, कुछ काम ही नहीं करता भाई, कंट्रोल ही नहीं काम करते, पता नहीं क्या हो जाता है। तो इसने मुझे हमेशा की तरह दोबारा फ्रिज में बंद कर दिया है, पर कोई बात नहीं गाइस, इस बार भी हमें यहाँ से निकल ही जाएंगे। बट इस बार पता नहीं कैसे निकलेंगे यार, ये मुझे नहीं समझ आ रहा। तो इसे मुझे पुश करना है, धक्का देना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर से भाई हम जा सकते हैं। ओ भाई अलग ही लोकेशन है यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे। तो मुझे बेसिकली मुझे हॉरर गेम भाई इसीलिए बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो फिर वही चलते हैं भाई जहाँ पे हम दोबारा पकड़े गए थे यार, सेमेट्री भाई वहीं पे जाना है। बट उस कैंडल का यूज़ क्या हुआ मुझे ये नहीं समझ आया, कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ तो मिलेगा, मैं इसीलिए दोबारा यहाँ पे आया हूँ, वरना मैं सिनेमा जाने वाला था। ओ भाई आइसक्रीम अंकल यहाँ पे तो कुछ कैंडल जला रहे हैं भाई, भाई मुझे लग रहा है आइसक्रीम अंकल कैंडल भाई जला रहे हैं और उनसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ गिर चुका है, बट ये मेरे दोबारा पीछे पड़ गया भाई। क्या है यार तुझे, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूँ। इसे मुझे भाई ये मैं अपने मोटे के बहन को भाई दोबारा छुड़ा के ले जाऊँ, बस बात ख़त्म, तू अपना काम कर ले, मैं मोटे को तो छुड़ा ही चुका था। तो मुझे वहाँ से वो जो कैंडल गिरा था भाई, यहाँ से मुझे ये माचिस मिल चुका है, बट ये पता नहीं क्या यूज आएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हमेशा की तरह क्या करना है इसे भाई, बहन में फेंक देना और क्या कह देंगे, कुछ ना कुछ इसका यूज होगा बट अभी नहीं है यूज इसका, ये इतना तो मुझे भाई पता है। और ये भाई मेरे पीछे पड़ चुका है, बट इसे कोई बात नहीं, इससे पीछा छुड़ा के फिर अपना चलते हैं। तो गाइस मुझे माचिस बॉक्स मिला है, बट इसका पता नहीं क्या यूज आएगा। यहाँ पे मुझे कुछ आइटम यहाँ पे लगाना है, जो कि पता नहीं क्या होगा यहाँ पे, ये दीवार टूटेगी या तो कुछ ऐसा कुछ होगा, क्योंकि इस दीवार में क्रैक है ना, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। बट कोई बात नहीं, हम चलते हैं भाई वहीं पर अपने सिनेमा पर, क्योंकि वहाँ पर मैंने वो कैट को भी तो छोड़ा है, पता नहीं उसका क्या यूज आएगा। तो ऑल राइट गाइस, हम अपने दूसरे लोकेशन पे आ चुके हैं सिनेमा पे, बट आइसक्रीम अंकल इस बार हमारे पीछे ना पड़े तो अच्छी बात है। और मुझे यहाँ पे ये सारे ट्रंक खोल के देखना भी तो था क्या है क्या नहीं, बट तब भर में तो भाई अंकल आ ही गए हैं ना। यहाँ से मैं अपने पहले भाई कैट उठा लेता हूँ। अबे यार ये कहाँ से पीछे पड़ गया मेरे, बट कोई बात नहीं गाइस, हमें इसे भाई पूरा नचा के मैं इसे लाऊंगा। अब देखो अब दिमाग ख़राब हो गया, इसने बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया मेरा। पहले सारे भाई ट्रंक खोल लेते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है। टूल बॉक्स में तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है।
समझ नहीं आ रहा यार कि कुछ यहाँ पे ये ट्रंक सिर्फ खुलते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ मिलता भी है, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ था यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे। तो ऑल राइट गेमर, मुझे यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर मिल चुका है जिससे वो गैस सिलेंडर को हम खोल सकते हैं, बट हमारी कैट अभी मुझे मिली नहीं है। मैं कैट भाई लेके आऊँगा, कितना भी रिक्स हो जाए लेकिन उस कैट को तो भाई लाना है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट उसमें ज़रूर होगा। अब भाई कैट कहाँ गई, ये कैट है ये थोड़ी चाहिए मुझे, बट इसका भी यूज होना चाहिए। ओ भाई तो इसे रिप्लेस करना है यार मुझे। बे भाई यहीं पर तो मैं छोड़ के आया था कैट यार, तो अभी के लिए तो इस कैट को भाई फेंकते हैं, लेकिन मैंने सारे ट्रंक खोल के देखे नहीं है। ओ भाई यही तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जो अपना फ्रेंड मांग रहा था, रेयर या इंपॉर्टेंट, आई थिंक मुझे तो यही लग रहा है, बट यही तो होना चाहिए। अबे यार ये आइसक्रीम अंकल पीछे कहाँ से पड़ गया, तुझे भाई शर्म नहीं आती, तूने दो बार मुझे भाई पकड़ लिया है, क्या ही करूँ यार। रुक जाओ इससे भाई पीछा छुड़ा के पहले भाई सर्कस चलते हैं, क्योंकि ये परफ्यूम ही मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, और रेयर भी भाई मुझे दिख रहा है ये तो। बट उसके हाथ में भाई ऐसी चीज़ है ना, वो तो भाई ये देने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है उसके पास रेयर चीज़ है वो, जो मेरे काम आ सकती है बहुत ज़्यादा। तो गाइस हम सर्कस आ चुके हैं, लेकिन उस आइसक्रीम अंकल को भाई कुछ नहीं, यहाँ पे गन वन नहीं मिलता क्या जो मार दूँ उसे, 8-9 घंटे के लिए सोया रहे, अपना काम हो जाए आराम से। तो भाई सर्कस आ चुके हैं, और ये अपनी गाड़ी, अबे भाई ये इतना घुमाता क्यों यार, तुरंत ही रोक देना, काम ख़त्म, क्या ही बताऊँ मैं। तो पहले ये भाई परफ्यूम को लेके भाई चलते हैं पहले उस लोकेशन पे, मतलब कि उस घर पे। तो भाई गेट तो हमने ओपन कर दिया, और यही इसकी इंपॉर्टेंट और रेयर चीज़ हो। सुपर कूल। तो ऑल राइट गेमर यही तो है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। पर इसने मुझे ये क्या दिया, ये नेट जैसा, ये क्या ही काम आएगा यार मेरे, यही रेयर चीज़ है, बट रेयर हो सकती है, पर अभी का तो भाई इसका कुछ काम नहीं है। ये मुझे इसका ज़रूरत था, कहाँ गया यार ये स्क्रू ड्राइवर, कहाँ गया, ये रहा। तो जो भी इसे बोलते हैं भाई, मैं तो इसे स्क्रू ड्राइवर ही बोलने वाला हूँ, और वो भाई टंकी को मुझे खोल के लाना पड़ेगा, गैस सिलेंडर वाले को। तो यहाँ से भाई गेट ओपन करते हैं पहले, और चलते हैं नीचे, बस वो आइसक्रीम अंकल आ ना जाए, बस मुझे यही दिक्कत लग रहा है। बस जल्दी जल्दी काम करना है, मुझे लग रहा है कि बस कुछ ही समय में हम उस लड़की को एस्केप करा के निकलने वाले हैं, बट यही हो तो ना। ऑल राइट गेमर तो यही है भाई, मेरा तुक्का भाई बिल्कुल ही सही लगता है यार। तो भाई ये चारों स्क्रू, तो वो तीन तो खुल चुके, बस ये चौथा खुलना है, और ये भाई गैस सिलेंडर अपने हाथ में। अब मुझे समझ आ रहा है कि इस गैस सिलेंडर का काम वहाँ पे तो नहीं है सेमेट्री में, जो वो दीवार क्रैक थी, मुझे तो यही लग रहा है कि इस वॉल में इसे इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि मुझे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो कुछ मिला नहीं ऐसा। तो आइसक्रीम अंकल की निगाह तो हमारे ऊपर भाई पड़ी नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। और भाई पहले भाई सिमेट्री चलते हैं, बस ये इनसे पीछा छूटे तब ना। भाई मैं इनके पीछे चला यार, भाई ये दिखता ही नहीं। भाई तू चश्मा पहन, तू आइसक्रीम शॉप मत खोल, तू चश्मे की दुकान खोल, इसे कुछ दिखता ही नहीं है भाई। तो हम तो सिमेट्री जाने वाले हैं अब। बट बस यहाँ पे वो ना हो और अपना काम हो जाए बस, क्योंकि भाई जहाँ भी पहुँचते मुझसे आगे तो वो पहुँचा पड़ा रहता है, ये मुझे नहीं समझ आता वो पहुँच कैसे जाता है। तो इस गैस सिलेंडर को लेके चलते हैं उस लोकेशन पे, मतलब कि इस वॉल पे इंस्टॉल करने के लिए। अबे भाई सामने से ही आ गया यार, क्या है इसमें, मुझे तो लगा भाई मैं गया इस बार, बट कोई बात नहीं, उससे भाई घुमा फिरा के इस साइड तो हम आ चुके हैं, अब वो पता नहीं कहाँ है, उसे इंस्टॉल करते हैं। गैस सिलेंडर को तो मैंने वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है, बट मुझे दो आइटम और चाहिएगा जो कि मेरे वैन में पड़ा है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है वही दो का यूज होगा। बट आइसक्रीम अंकल से पीछा छूटे तब ना, ये मेरे भाई पता नहीं क्या है यार, यहाँ पे तो जगह ही कम है पता नहीं कहाँ कहाँ से, बट सही बात यह है कि रास्ते सारे याद हो गए। तो ये क्लॉक अलार्म भाई मुझे तो यही लग रहा है यही होना चाहिए।
बट ये मुझसे उठ क्यों नहीं रहा भाई, हो गया इसके कंट्रोल भाई बहुत ज़्यादा, मुझे समझ ही नहीं आ रहे यहाँ पे तो। क्योंकि जब ये आइसक्रीम अंकल आते हैं ना तो भाई कंट्रोल ही पूरे फ्रीज हो जाते हैं, आपको तो पता ही है। बट कोई बात नहीं, इसे भाई पहले चलते हैं, इसे इंस्टॉल करते हैं। अभी भी एक चीज़ और चाहिए मुझे तो लग रहा है भाई, एक चीज़ और। ये तो बम जैसा कुछ बन गया ना, तो मुझे लग रहा है बम में तो वो माचिस से ही होता है मैच बॉक्स, मुझे तो यही लग रहा है। पक्का भाई मुझे मैच बॉक्स चाहिए होगा, ये तो मैं कंफर्म कह रहा हूँ, लिख के कह रहा हूँ, क्योंकि भाई ये बम जैसी चीज़ कुछ बन चुकी है। तो गाइस पहले चलते हैं मैच बॉक्स को उठा के, उस लोकेशन पे चलते हैं वॉल पे भाई, इसे इंस्टॉल करने के लिए। ओ भाई आज के मंगल भाई मेरे पीछे ही पड़ चुका है यार, पता नहीं क्या करूँ इसका मैं। बट कोई बात नहीं, यहाँ के भाई मुझे रास्ते याद हैं, पूरे तरह से याद है रास्ते। अब तो भाई ये इसे मैं अलग ही पट्टी पढ़ा सकता हूँ इसे तो। मैच बॉक्स से इंस्टॉल करते हैं, आई थिंक यही हो भाई, हो गया। और ये कुछ भाई बम जैसा तो हो गया, अब ये ब्लास्ट होगा क्या? मुझे तो भाई मैं दूर हट गया पहले ही, क्योंकि रिस्क नहीं लेना। ओ भाई तो यहाँ पे कुछ यार नई लोकेशन खुल चुकी है। ऑलराइट गेमर जल्दी जल्दी अपने वैन के पास चलते हैं। भाई ये कहाँ से आ गया यार, ये दिमाग ख़राब कर दिया मेरा पूरा। मैं वैन के पास जाने वाला था, वैन में ही आ गया, अलग ही सीन है यार, समझ ही नहीं आया मुझे तो। ये मुझे दोबारा पकड़ के ला के यहीं फ्रिज में बंद कर दिया। भाई ये फ्रीज़र इतना ठंडा क्यों रखता है यार, ये समझ ही नहीं आता यार, ये मुझे पता नहीं क्या करना चाहता है। ऑलराइट गेमर मुझे यहाँ पे हैमर मिल चुकी है, ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे इस बार भी यहाँ से पुश करके ऊपर से ही भाई जाना है, ये बात बहुत अच्छी हो रही है कि मुझे यहाँ पे भाई लोकेशन पूरे पता हो चुके हैं। बट वो आस्किंग अंकल हो ना तब ना, अब मुझे लग रहा कि भाई मैंने 80% काम कर दिया, बस 20% काम बस और रह गया, और उस बच्ची को हम भाई स्केप करा के निकलने वाले हैं भाई। कोई मैं जल्दीबाजी में नहीं करने वाला हूँ कोई भी काम, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी मैं भाई जल्दबाजी में काम करता हूँ कोई ना कोई गड़बड़ होता है, ये तो भाई लिख के ले लूँ। तो मैं होपलेस नहीं होने वाला हूँ। तो गाइस हम सिमेट्री आ चुके हैं, और भाई ये गेट पहले खोलते, ये हैमर भी मैं लेके आ गया यार, इसे हैमर का क्या ही काम होगा। अबे भाई यहाँ पे एक चीज़ मिली थी ना, इसको भाई मैं लेके चलने वाला हूँ, क्योंकि इसकी भी भाई ज़रूरत पड़ सकती है। और ये आइसक्रीम अंकल हमेशा एक तरह मेरे पीछे पड़ गया, कोई बात नहीं, यहाँ के तो भाई मुझे लोकेशन बहुत अच्छे से याद है। अभी इसको मैं भाई इधर का उधर करके आता हूँ इसे। बट यहाँ पे एक नई लोकेशन ओपन हुई थी ना उस वॉल के साइड, बस मुझे वहाँ पे जाना है और अपना काम हो जाएगा भाई। गेट क्यों नहीं ओपन होते यार? तो ऑलराइट गाइस मैं इसके अंदर क्यों नहीं जा पा रहा? ओ भाई चला गया इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे छुप जाता हूँ भाई पहले तो। तो भाई ये नेट मुझे यहीं पे भाई इंस्टॉल करना था। तो ऑलराइट गेमर मुझे भाई केस की मिल चुकी है यार, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि केस की मुझे मेरे हाथों में। बट कोई भाई कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, सबसे पहले वैन में चलते हैं भाई। मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि केस की भाई मेरे हाथ में है। तो भाई मैंने इसे भाई एस्केप करा दिया इस लड़की को। तो भाई मैं तो कूद गया। अबे भाई ये कूद क्यों नहीं पा रही? कूद ना भाई, जंप कर। जंप क्यों नहीं कर पा रही यार? ये बहुत ज़्यादा डरपोक लड़की है यार, ये जो मोटे से भी ज़्यादा डरपोक है इसकी बहन तो। भाई ये वैन दोबारा आ गई। ओ भाई इस वैन में ये लड़की अभी तक है। मोटे तेरी सिस्टर देख ले भाई, तू भी फंसा, ये भी फंसे भाई, सभी फंस गए। मैंने इतनी मेहनत की भाई, सारे मेहनत पानी में चला गया। ये क्या फेंक के मार रहा है भाई से? तो भाई इसने इसके लिए लव लेटर लिख रखा था यार। बट कोई बात नहीं, अपना काम तो हो चुका है, इसे मैंने एस्केप करा दिया। वो इसकी गलती है कि वैन से कूदी या नहीं कूदी। ऑलराइट हीरोज आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको पता है ना क्या करना है, वीडियो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बेल को भाई ज़रूर ऑल पे सिलेक्ट कर लिया करो गाइस, क्योंकि इससे मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपको भाई सबसे पहले पता लग जाएगा। और हाँ, ये आइसक्रीम अंकल 3 भी मैं जल्दी बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।